सब लोगों को ईद के अवसर पर सब लोगों को मुबारकबाद है। और आप जानते हैं कि आज के मौके पर 2006 से ही हम इस स्थल पर आते रहे हैं, लेकिन दो साल कोरोना के चलते कहीं कुछ हो नहीं रहा था। 20 और 21 में बड़ी खुशी की बात है कि इस बार फिर से पहले की तरह, और देख रहे हैं कि लोगों को काफ़ी खुशी है और बड़ी संख्या में लोग आए हैं। सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लोगों ने प्रेम के साथ सब कुछ किया है इस पूरे चीज़ों में, इसमें इस मौसम में पूरे एक महीने से सब कुछ जो किए, बहुत अच्छा लगा है। और हम लोग तो यही चाहते हैं कि समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव हो, सब लोग एक दूसरे की इज्जत करें। किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, सबको एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। सबको जो अपना जिस चीज़ पर विश्वास और यकीन होता है उसमें काम करते हैं, तो सबको एक दूसरे का सम्मान देना चाहिए। और जानते हैं कि हम लोग शुरू से इस चीज़ को मानते हैं, तो आज के अवसर पर आने का मौका मिलता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, भीतर से बहुत आनंद होता है। तो आज के अवसर पर आकर के सबको मेरी शुभकामनाएं हैं, पूरा बिहार आगे बढ़े, पूरा देश आगे बढ़े, सब लोग प्रेम के साथ लोग एक दूसरे के साथ रहें और बहुत अच्छे ढंग से रहे, यही माहौल रहे। और यही समझ लीजिए कि ईद के अवसर का यही है, लोगों को यही जिसको कहिए कि सबको जो मिलता है इसका, लोगों को इस बात के लिए समझ मिलती है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। सर, एक छोटा सा सवाल है, आपके बेहद करीबी है प्रशांत किशोर, बिहार आ गए हैं, सब छोड़ दीजिए, सब कोई बोले सर राजनीति की घोषणा की है पार्टी के लिए सर। सर क्या इधर